अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम हिंदी टाइप कर सकते हैं। हिंदी टाइप करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर एक अदद जो है एमबी सिंधी नाम का फॉन्ट अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करना पड़ेगा। एमबी सिंधी नाम का फॉन्ट जो है हमें मिल जाएगा, जैसे गूगल क्रोम पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जाके हम गूगल पे टाइप करेंगे google.com और यहाँ पे लिखेंगे, अगर इंटरनेट चल रहा है, फ्री डाउनलोड एमबी सिंधी, ठीक है, फॉर विंडोज 10, ठीक है। यहाँ पे लिखने के बाद जैसे क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये खुलेगा, की मैन है, ब्लॉगर है, इस पे ये पड़ा हुआ है, यहाँ से डाउनलोड कर लें। अगर यहाँ पे नहीं मिल रहा ना तो इसकी खुद की भी साइट है, एमबी सिंधी 2007 अपडेट स्टार है, एक और वेबसाइट है यार वो भुरगड़ी.com है, यारी भुरगड़ी.com, ये भुरगड़ी.com पे चले जाएं। अब्दुल मजीद भुरगड़ी जिसने इस फॉन्ट को ईजाद किया है ये आ गए इसके ऊपर, यहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए ऑप्शन आ रहा है, एमबी सिंधी विंडोज इंस्टॉल डाउनलोड करे हो, एमबी सिंधी विंडोज इंस्टॉलर डाउनलोड करो, इतना क्लिक करे भी डाउनलोड कर सको था, इतने भी क्लिक करे डाउनलोड कर सको था, इधर से डाउनलोड कर लेंगे। जब इंस्टॉल कर लेंगे अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करने के बाद, तो फिर आप नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पर रीस्टार्ट होगा कंप्यूटर एक बार, तो आपके पास यहाँ से अलिफ ज़बर फा लिखा जाएगा और आगे पर्शियन लिखाएगा और नीचे लिखा होगा एमबी सिंधी 2010 कीबोर्ड, इसका मतलब आपके कंप्यूटर में एमबी सिंधी इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब अगर हमें इंस्टॉल हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे, तो हमारे पास डेस्कटॉप पर एक इस तरह का एमबी सिंधी का एमबी टेस्ट एक कीबोर्ड भी स्क्रीन पर आ जाएगा एमबी सिंधी का, लेकिन मुझे ज़रा दिखाई नहीं दे रहा, अपने वाले डेस्कटॉप पर शायद किसी ने डिलीट कर दिया वो, तो हम इंटरनेट से ले लेते हैं वो कीबोर्ड। तो यहाँ से मैं खोल लेता हूँ गूगल क्रोम, तो वो कीबोर्ड का लेआउट कुछ इस तरह से, गूगल पर जाएंगे हम लिखेंगे एमबी सिंधी कीबोर्ड लेआउट, एमबी सिंधी कीबोर्ड लेआउट, ठीक है। और यहाँ पे जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करके इमेजेस पे चले जाएंगे, इमेजेस पे जाने के बाद हमें ये लेआउट मिलेगा, ये प्रॉपर एमबी सिंधी का कीबोर्ड लेआउट है, इस पर क्लिक करके इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको और कॉपी करके सेव कर लेता हूँ, सेव इमेजेस, और यहाँ पे चला जाता हूँ डेस्कटॉप पे, पर इसको सेव कर देता हूँ ताकि मुझे बार बार देखने में आसानी रहे। तो ये डेस्कटॉप पे चले गए हम यहाँ से और यहाँ पर आ गए एमबी सिंधी 2010, सेव कर दिया, क्लोज कर देता हूँ मैं यहाँ से, इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। तो ये मेरे पास देखिए फोटो आ गया है और इसमें पूरा कीबोर्ड लेआउट यहाँ पर डिफाइन हुआ हुआ है, सही है, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? अच्छा, अब यही मैं कीबोर्ड लेआउट आपको भेज दूंगा अभी क्लास के बाद, तो आप देख लेना। अब ये कह रहा है कि अगर आप नॉर्मल सेट मतलब छोटी ए दबाएंगे तो अलिफ आएगा, एस दबाएंगे सीन आएगा, डी दबाएंगे दाल आएगा, एफ दबाएंगे पे आएगा, जी दबाएंगे गाफ आएगा, एच दबाएंगे हे आएगा, जे दबाएंगे जीम आएगा, के दबाएंगे काफ आएगा, एल दबाएंगे लाम आएगा, के दबाएंगे हे आएगा, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। अच्छा बेटा, शिफ्ट के साथ जब ए दबाएंगे तो अलिफ मत आएगा, शिफ्ट के साथ एस दबाएंगे सीन आएगा, शिफ्ट के साथ डी दबाएंगे जे आएगा, शिफ्ट के साथ एफ दबाएंगे से आएगा, और इस तरह की चीज़ें आएंगी। और अल्टर शिफ्ट के साथ सीधे हाथ के अल्टर और शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो डब्ल्यू के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएगा, खड़ी ज़बर आएगा, ये है और टी आएगा, हे आएगा, तो इस तरह की चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हैं। और अगर उर्दू नंबर भी चाहिए तो उर्दू नंबर आपको मिलेंगे किसके साथ, आई थिंक वो भी अल्टर के साथ ही मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिंधी का कीबोर्ड लेआउट आपने जहन में रखना है। अब आपने करना क्या है, अब आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलना है, तो ये वर्ड हमने खोल लिया, यहाँ से वर्ड खोल के हमने यहाँ से एक न्यू फाइल ले लेनी है, तो न्यू में गए, यहाँ पे क्लिक किया और जैसे ही हमने एक नई फाइल लेके इसको ब्लैंक कर लेना है। सबसे पहले सिंधी लिखने के लिए आपको अपनी डायरेक्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रखनी है राइट साइड पे, कहाँ पे रखनी है, राइट साइड पे, और अलाइनमेंट कहाँ पे रखना है, राइट साइड पे, नहीं 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 राइट साइड पर, अलाइनमेंट भी राइट साइड पर और डायरेक्शन भी राइट साइड, इसका मतलब आप कह रहे हैं मैं सिंधी सीधे हाथ से लिखूंगा। उसके बाद यहाँ से एक फॉन्ट लेना है जिसका नाम है एम बी लतीफ़ी, क्या है फॉन्ट का नाम, एम बी लतीफ़ी, तो ये हम आएंगे नीचे और यहाँ पे ये फॉन्ट मिल जाएगा हमें एम बी लतीफ़ी के नाम से, तो एम बी लतीफ़ी, एम बी लतीफ़ी, एम बी लतीफ़ी, ये रहा एम बी लतीफ़ी का फॉन्ट, ठीक है, ये फॉन्ट ले लेना एम बी खुर्शीद, एम बी लतीफ़ी, दोनों सिंधी के फॉन्ट है, सिंधी वेब भी है, तीनों फॉन्ट एम बी सिंधी से रिलेटेड आपको मिलेंगे जब ये सिंधी इंस्टॉल हो जाएगा। एम बी लतीफ़ी ले लेते हैं और यहाँ से फॉन्ट साइज को बढ़ा के 20 पर रख लेंगे। अब आपने सिंधी टाइप करने से पहले एक असाइनमेंट खोल लेना है जो सिंधी में टाइप करना है,
वैसे वैसे तो कहता हूँ कि कोई गाना लिख लो, कोई गजल लिख लो सिंधी के अंदर, ताकि कोई मामला कलाम लिख लो, कोई गाजिया की सिंधी टाइपिंग लिख लो। लेकिन अगर आपको कोई असाइनमेंट बनाना है तो फिर मैं आपको एक असाइनमेंट बताता हूँ कि वो आप इसमें बना लेंगे। तो ये एम बी सिंधी के असाइनमेंट में हमारे पास सिंधी असाइनमेंट है, उर्दू असाइनमेंट, ये सिंधी असाइनमेंट। सिंधी असाइनमेंट में आ गए तो ये एक है, एक ऐसी लेसन है। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा गूगल पे चलते हैं और गूगल से हम ये कहते हैं कि गूगल हमें ऐसा करो कि एप्लीकेशन दे दो सिंधी में। तो हम यहाँ पे गूगल पे चले गए, हालांकि बहुत कम डेटा है इसमें सिंधी में। तो हम यहाँ लिखते हैं एप्लीकेशन फॉर, एप्लीकेशन फॉर लीव इन सिंधी, ठीक है, फॉर टू डेज लीव इन सिंधी। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये सब यूट्यूब का चूरन मसाला आ गया, ये कुछ लिखी हुई है वैसे। यहाँ से अब चलते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सिंधी एप्लीकेशन पीडीएफ। तो यहाँ क्लिक करते हैं scribd.com पे जाके देखते हैं कोई किस तरह का डॉक्यूमेंट है क्या। तो इस पर देखते हैं, यहाँ पे एक एप्लीकेशन लॉन्च हो रही है। अब इसमें पता नहीं क्या क्या खुल गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके, अब देखते हैं। काफी सारे ऐड खुल गए इसके ऊपर, बंद करते हैं यहाँ पे, ये ऐड ही चल रहा है अभी तक। आ है तो सही, पर ये इतनी क्लियर नहीं है यार। चलो कोई दूसरी वेबसाइट पर देखते हैं। सिक्स क्लास सिंधी नोट्स एप्लीकेशन की बुक फॉर सिंधी, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा। हाँ बाबा, ये मिल गई, मोकल लाए दरखास्त आ गई है, अर्ज आया तो मुख्य रात हाँ वट्टी बुखारा। ये भी देखिए, हाथ से इससे लिख के इस पर फोटो लगाया है, तो आपने इसको कंप्यूटराइज बनाना है, ठीक है। तो ये सिंधी की एप्लीकेशन है, इसको हम डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं कि कैसे डाउनलोड होगी। पर ये दिया हुआ तो नहीं है डाउनलोड का कोई लिंक, तो मुझे लग रहा है कि इन्होंने डाउनलोड का कोई मामला इसके साथ किया हुआ नहीं है। नीचे कुछ दिया हुआ है नहीं दिया, तो आप इसको एक जुगाड़ी तरीके से डाउनलोड कर लेते हैं। वो जुगाड़ी तरीका ये कि इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, ठीक है, ओके। तो हमने यहाँ पे दबाया क्या, प्रिंट स्क्रीन का बटन, ये हमारे सामने आ गया और इसको हमने यहाँ से लिया और इसको क्या कर दिया, ठीक हो गया। एमएस पेंट प्रिंट स्क्रीन, एमएस पेंट लिया, यहाँ से क्लिक किया, यहाँ पेस्ट किया, ये आ गई हमारी पूरी एप्लीकेशन। फाइल में गए, इसको सेव कर दिया, PNG फाइल के तौर पे सेव करेंगे। डॉक्यूमेंट्स में गए, वर्ड फाइल्स पे क्लिक कर दिया, यहाँ से हम चले गए वर्ड फाइल्स के अंदर, और यहाँ से हम आ गए यहाँ से वर्ड असाइनमेंट के अंदर, और यहाँ से आ गए सिंधी असाइनमेंट में। एप्लीकेशन ले लिया हमने, एप्लीकेशन फॉर लीव, फॉर लीव इन सिंधी, ठीक है। तो देखिए सिंधी की कितनी खोट है इंटरनेट पर, अगर आप थोड़ा लिख के मटेरियल डालेंगे सिंधी पे, आपको सिंधी आती है तो सिंधी में पोस्ट भी कर सकते हैं, सिंधी में आप एडवर्टाइज कर सकते हैं, सिंधी में आप पंपलेट भी बना सकते हैं, और सिंधी में आप यूट्यूब पे सिखा भी सकते हैं, सिंधी में सिखाने वाले हैं नहीं, ठीक है। लेकिन ऑडियंस कम होगी वो एक अलग बात है, लेकिन चलो एक ऑप्शन तो है। अब आते हैं इसको टाइपिंग की तरफ, टाइप कैसे करना है। तो भैया अब आ गए यहाँ पे, क्लिक किया, आपने इसको डायरेक्शन को राइट कर रखा है, अलाइनमेंट को राइट कर रखा है, यहाँ से इंग्लिश को एडवर्ट किया, किसमें, पर्शियन MB सिंधी 2010 कीबोर्ड, इसमें आपने क्लिक करना है। अब आपका कीबोर्ड एक्टिवेट हो गया है, ठीक है। अब आपने एक तरफ से इसमें देखते जाना है कि कौन सा बटन पे क्या अल्फाज आ रहा है, ठीक है, और दूसरी तरफ आपको ये टाइप करना है, मोकल लाए दरखास्त। तो हमें लिखना है मोकल लाए दरखास्त, तो ये वैसे आसान है, मोकल MO मोकल, अच्छा जो अल्फाज मिला के लिखने हैं उनमें स्पेस देना है, और जो नहीं मिला के लिखना है डायरेक्ट टाइप करना है। मोकल अभी मिल गया स्पेस लाए, अब लाए कैसे लिखेंगे, देखिए लाए में एन के नीचे जेर आना है, तो देखिए यहाँ पे हमजा के नीचे कहीं पे जेर आ रहा है, कहाँ पर है, या ये या शाबाश, यानी के एक दो तीन और ये चार पर, नहीं तीन पर आ रहा है। तो शिफ्ट के साथ 3 दबाएंगे कीबोर्ड पे, ये देखिए जबरदस्त काम हो गया, मोकल लाए दरख्वास्त,
अब दरख्वास्त लिखना आ गया, दरख्वास्त तो लिख लेंगे, तो दरख्वास्त अब से किससे आएगा देखते हैं, एक्स से आ रहा है। ठीक है, तो ये वोकल लाइन दरख्वास्त एंटर किया, कंट्रोल एस किया हमने फाइल को, मोर ऑप्शंस में गए, फाइल को हम उर्दू इंग्लिश पे ही सेव करेंगे, तो हम यहाँ पे चले गए। दोबारा से कीबोर्ड लेआउट को अल्टर शिफ्ट के साथ भी चेंज कर सकते हैं, सॉरी शिफ्ट स्पेस के साथ भी चेंज कर सकते हैं, अल्टर शिफ्ट के साथ भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इंग्लिश कर दिया इसको, दोबारा से वर्ड फाइल पर चले गए, यहाँ पे चले गए, जतिन के फोल्डर में थे हम, और यहाँ पे हमने लिखा हमारी क्लास है 20 तकरीबन 9 सिंधी एप्लीकेशन। ठीक है, और तो सेव कर दिया। ओके, वही सिंधी में लाने के लिए अल्टर शिफ्ट दबाया, तो देखिए ये हो गया फॉ सिंधी में आ गया, ये उर्दू में आ गया, ये कोई और लैंग्वेज है, इंग्लिश हिंदी। मौक्कल लाए दरख्वास्त हो गया, अब यहाँ पे आगे क्या लिखना है हमें, बख़िदमत जनाब हेड मास्टर साहब, तो बख़िदमत ये आ गया, खिदमत जनाब हेड वेड हो गया, हेड मास्टर साहब, साहब स्वाद किससे आएगा देखें, अच्छा जी डब्ल्यू के बराबर वाले डब्ल्यू से आ रहा है, तो यहाँ पे लेंगे साहब। ठीक है, बस इतना जनाब हेड मास्टर साहब, ये लिख दिया हमने सही तरीके से, फिर इंटर आ गए। फिर आगे लिखना है क्या, गवर्नमेंट बॉयज गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल कराची, अब ये आप अपने स्कूल का नाम लिख लेंगे, तो सिटी ग्रामर हायर सेकेंडरी स्कूल, मेमन अकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल, या गवर्नमेंट स्कूल है तो वही लिख देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, सपोज कभी न्यू निशानी लिख देते हैं, न्यू अल हुसैनी कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस। अब साइंस के लिए देखिए ये आएगा क्वेश्चन मार्क्स है ये वाला, देखिए याद रखिएगा, हालांकि मुझे सिंधी से इसमें उर्दू से सिंधी आसान लिख के टाइप करना है क्योंकि अल्फाज बहुत आसान। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इस तरह लिख दिया, अब इस तरह लिखने के बाद आपको क्या करेंगे, एंटर कर देंगे। ठीक है, फिर एंटर करेंगे, फिर अपना मॉक टेस्ट शुरू करेंगे राइट साइड पे करके। तो इस तरह से आपकी पूरी दरख्वास्त इसके अंदर बिल्कुल जैसे सिखाई गई है आपको, बस आपने टाइप कर लेनी है। ठीक है, सेव कर देना, दूसरा असाइनमेंट भेजूंगा घर के लिए, वो घर से बना के आप मुझे सेंड कर देना। चलें शुरू हो जाए।